हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम हैं मनियारी करके गांव है सैंज वैली में, और आज हमारा यहाँ पर दूसरा दिन है। इसके बाद हम निकल जाएंगे वापस नीचे की तरफ। बट हाँ जी, हाँ मार्केट जाऊंगी इसके बाद। अभी पहले तो पुंडरिक पुंडरिक लेक। पुंडरिक लेक जा रही ठीक है, हूँ। ओके। ओके। बट उससे पहले हम जाने वाले हैं पुंडरिक ऋषि लेक। मतलब बेसिकली हमारी कोशिश है वहाँ पहुँचने की, बट क्योंकि हमारी टेंडेंसी है गुम होने की, बट वी विल नॉट गेट लॉस्ट, वी विल मेक इट टू द लेक एंड लेट्स डू दिस टुगेदर। तो कप्पू ने समझाया है कि मंदिर के पीछे से निकलना है और फिर आएगा एक बड़ा सा वॉलीबॉल ग्राउंड, फिर आएगा एक नाला, और नाले से ऊपर जाएंगे तो हम लेक के रास्ते पे चल पड़ेंगे। बाकी देखते क्या होता है। होपफुली हमें लोग मिलते रहें ताकि हम पूछते रहें। तो मंदिर की एंट्री है ना, ये है मंदिर। बट आई एम थिंकिंग दैट प्रॉबेबली यहाँ भैया झील की तरफ जाने के लिए इधर से ही जाएगा, इधर से। दिल्ली से आए, इधर मैं रुकी हूँ कप्पू के यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है। छोटा सा ही रास्ता है, लंबा है? ठीक है ठीक है, ओके। जल्दी पहुँचने का है? आधा घंटा, ठीक, ओके ओके।
ये आ गए हम वॉलीबॉल कोर्ट। वैसे क्या अमेजिंग लोकेशन है वॉलीबॉल खेलने की, मतलब व्हाट इज दिस, इट्स ब्यूटीफुल। देखो ऊपर जंगल है, सामने ये व्यू है, तो नीचे क्यों रखा है। चलो सो फार सो गुड। बोले तो रास्ते में हम अभी तक घूमे नहीं है। उसने कहा था नाला सजा रही है, ये क्या नाला। रिलीजियस सॉन्ग सुन कर रहा है। गिव मी वन सेकंड गाइस। तो यूजुअली जब भी मैं ऐसे कुछ ऐसे फॉरेस्ट के ट्रैक्स या कुछ भी कर रही होती हूँ, 90% ऑफ द टाइम इट्स ओनली मी हुज़ वॉकिंग ऑन दोज ट्रेल्स। एंड
आई मीन यस, काफ़ी सही फीलिंग होती है कि आप ही चल रहे हो। एक वो अननोन वाला फैक्टर रहता है, एक वो मिस्टीरियस, और मतलब वो थ्रिल रहती है व्हेन यू आर द ओनली वन। बट आई मीन दोनों साइड है इसकी। एक तरफ आपको एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि आगे पीछे अगर लोग हों तो आपको रहता है चलो भाई गुम नहीं होंगे एटलीस्ट। बट अगर आप अकेले ही हो तो भी ये आई थिंक ये फीलिंग ही है कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है, देखते हैं क्या होता है, पता नहीं क्या होगा, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, गुम तो नहीं हो जाएंगे, शेर तो नहीं दिख जाएगा। तो पता नहीं, मतलब इट्स इंटरेस्टिंग, दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से। हमेशा अकेले आप पता नहीं कैसे एंड अप करते हो इन जगहों में, बट आई एम श्योर दैट देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट एंड वी गॉट टू सी दैट। लेट्स गो। मन्याशी अब नीचे से हो सकता है क्या? मैं देखो हो गए हम गुम। अब प्रॉबेबली हमें वैसे तो ऊपर ही जाना होगा, नीचे तो नहीं ही जाना होगा, बट कोई दिखता तो रास्ता पूछ लेते यार। कि अगर जंगल के बीच में लेक है तो फिर तो ऊपर से ही होगी ना। चलो एक चीज़ करेंगे, रास्ते पे ही चलेंगे, रास्ते से ऑफ ऑफ ट्रेल जाके ये सब नहीं करेंगे, जहाँ रास्ता दिखेगा वहीं चलेंगे, क्योंकि ये भी मैं अक्सर कर देती हूँ। यहाँ से तो नहीं है,
वी आर कमिंग फ्रॉम देयर विच इज़ मानिशी, दिस इज दियोहारी और दियोरी, दैट इज सम अदर विलेज दैट आई एम फॉरगेटिंग, बट यस एंड दिस इज आर रूट टूवर्ड्स पुंडरिक ऋषि लेक होपफुली. ये देखो यहाँ तो रास्ता नहीं दिख रहा. अब ये रास्ता है या नहीं हमें नहीं पता. इस घने जंगल में कहाँ ढूंढ पाएंगे हम लेक यार. थोड़ा आगे चल लेते हैं यार. आप ऐसे सोलो ट्रैवलर ना बहुत सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करते हो, स्पेशली ऐसी जगहों पे जहाँ आप ही हो. एक तरफ आपको लगता है कि नहीं यार कॉन्फिडेंस है चले जाएंगे कोई सीन नहीं है, दूसरी तरफ लगता है कि यार रास्ता ही नहीं है तो कैसे जाएंगे और पूछ भी नहीं सकते किसी से करके क्या ही कर लेंगे. पता नहीं वापस कैसे आएंगे यार यहाँ से. थोड़ा और आगे चल लेते हैं. अब माइंड में ये बिठा लेते हैं कि हो सकता है हमें पुंडरिक ऋषि लेक ना मिले क्योंकि ऑलरेडी वी हैव लॉस्ट द प्लॉट. बट व्हाट वी विल डू इज़ वी विल ट्राई टू गो फर्दर इनसाइड द फॉरेस्ट अ लिटिल बिट सो वी कैन गेट द वाइब ऑफ इट. सी दिस इज़ नॉट द रूट, हाउ कैन दिस बी, बट यू नेवर नो ना. एक सेकेंड, कैमरा उल्टा शुल्टा. ये रास्ता तो नहीं है ये देखो, बट हो भी सकता है क्योंकि पहाड़ में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे. आई डोंट थिंक सो बॉस, लेट्स गो बैक. वापस ही चलते हैं. देखो क्या कहाँ से चढ़े चढ़े भी तो आगे क्या है क्या देख लेते हैं. मुझे बस ये लग रहा है कि ना वापसी में आने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. आई थिंक दिस वॉज गुड इनफ. लेट्स गो बैक. ये आई थिंक इसके अंदर का फॉरेस्ट आप एंटर नहीं कर सकते हो. ओके सो दिस इज द ड्रॉबैक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. देन यू कैंट फाइंड द रूट ऑन योर ओन, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स दैट यू माइट
थिंक अबाउट लाइक वॉट इफ समथिंग हैपन्स और समथिंग लाइक दैट, लाइक देर इज नो बडी नो, सो वॉट डू वी डू नेक्स्ट. प्लस दिस रूट ऑल्सो इज वायर्ड, यानी कि बंद है, तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे. तो मेरे ख्याल से पुंडरिक ऋषि लेक के सपने को सपना ही रहने देते हैं. मैं वापसी का रास्ता तय करती हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.